हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले हमने बनाया था गेहूं के आटे का चीला, आज हम बनाएंगे सूजी का चीला। सूजी का चीला बनाने के लिए हमें चाहिए एक कप सूजी, आधा कप दही, दो प्याज, दो लहसुन, एक हरी मिर्च, थोड़ी सी धनिया पत्ती, स्वाद अनुसार नमक, और हम यहाँ लेंगे एक कटोरी पानी। आप चाहे तो इसमें काली मिर्च भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बर्तन में सूजी लेंगे, उसमें दही मिलाएंगे। अब इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे। देखिए हमें इसे इतना पतला बनाना है। अब हम इसे 15-20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। चलिए तब तक हम इन सब्जियों को काट कर रख लेते हैं। लगभग 20 मिनट हो चुके हैं, हमारी सूजी भी अच्छी तरह से फूल चुकी है और ये गाढ़ा हो गया है। चलिए अब इसमें हम कटी हुई सब्जियां मिलाते हैं। फ्रेंड्स, आप इसमें एक टमाटर, शिमला मिर्च या गाजर भी मिला सकते हैं। मुझे तो अजवाइन का स्वाद पसंद है, इसलिए मैं इसमें एक चुटकी अजवाइन डाल रही हूँ। मैंने इसमें काली मिर्च डाली है। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक मिला रही हूँ। अब इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो हमारा तवा गर्म हो चुका है, अब हम चीला बनाना शुरू करते हैं। इसे हमें मीडियम फ्लेम में बनाना है। इसे हम दोनों तरह से अच्छी तरह से सेक लेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हमारा चीला सर्व करने के लिए तैयार है। आप इसे जरूर ट्राई करके देखिए और मुझे कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा। लाइक करना ना भूलिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।